अमीर और गरीब का डिफरेंस, जो शेर वाले हैं वो अमीर हैं, जो तीर वाले हैं वो गरीब हैं। सबसे बड़ी बात जो है ना, जो बिलावल साहब ने जो किया है कि ये सोलर एनर्जी सिस्टम, वो हर घर के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि हर घर के ऊपर हम ना सोलर सिस्टम लगा कर देंगे, जो भी हमें अप्लाई करेगा। और उस की पका रहे हो? ये इलेक्शन पका रहे हैं। इलेक्शन पका रहे हो? अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं भैया? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है, शुक्र। की पका रहे हो? ये इलेक्शन पका रहे हैं। इलेक्शन पका रहे हो? अच्छा, किसको वोट दे रहे हैं? वोट पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं जी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर सर कैसे हैं? ठीक ठाक, सब खैरियत है? आप बैठे रहे मैं आप जी, सब खैरियत है जी। सर हुक्म जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर कोई वजह जान सकते हो? हाँ वजह जान सर प्लीज। ये गरीबों की जमात है। अच्छा। अमीर और गरीब का डिफरेंस, जो शेर वाले हैं वो अमीर हैं, जो तीर वाले हैं वो गरीब हैं। और अमीरों और गरीबों का मुकाबला है, और इंशाल्लाह गरीबों की जीत होगी। वो अमीर हैं तो क्या है, हम गरीब हैं तो क्या है? वो महल बना रहे हैं मेरी झोंपड़ी के पीछे सर, और इन्हें फरमाया, ऐसे क्या फ़र्क क्या है इसमें? फर्क यही है कि हम आम बंदे के साथ हैं, मजदूरों के, मेहनत कशों के, किसानों के। पीपल्स पार्टी ग्रास रूट लेवल की जमात है, ये कोई वडेराइज़म, ये फेडरलिज़म, कोई ब्यूरोक्रेसी, ये वो नहीं है। ये तो ड्राइंग रूमों में आपकी तरफ आता हूँ। जरा जनाब आए, इनसे भी पूछ लें। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र। सर किसके साथ है? पीपल पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी के साथ हैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, कैसी तबीयत है? सब खैरियत है? हाँ जी जी। मेरे बुजुर्गों कितने नाल लगे हो? मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ शुरू से रहूँ और अब भी रहूँगा इंशाल्लाह। ये वफादारी है, और ये हमारे मुल्क के बुजुर्ग हैं, और ये बुजुर्गों की दुआएं लेनी है हमने, ताकि हमने आगे जाना है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद अब्बास साहब, ये आली मदद कैसे हैं? सर दुआएं। सब खैरियत है सर? सर आप माशाल्लाह, पूछने की जरूरत नहीं है आपसे, जो मर्जी पूछें जी, आपने जो पूछना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सैयद बादशाह? दुआएं जी, फर्स्ट क्लास। सब खैरियत है? अच्छा सर, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब की क्यादत के बीच में एक जवान खून है, एक तरोताज़ा उम्र है, क्या जो हमारे बुजुर्ग हैं जो उनके साथ हैं, क्या वो उनके बीच में चल सकते हैं, उनकी क्यादत के बीच में? सर मैं क्या वो पॉसिबिलिटी रखते हैं? सर मैं अपने पूरे हलके का राउंड किया है, मैंने जितने बुजुर्ग भी पीपल पार्टी से पीछे हटे थे ना सर, सारे दोबारा पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और नौजवान भी माशाल्लाह, ये हम गए हैं अब हमारे साथ तकरीबन 10 गाड़ियां यहां से हम लेकर गए हैं बिलावल साहब के जलसे में, सारे नौजवान बच्चे गए हैं हमारे साथ, क्योंकि बिलावल साहब ने जो नौजवानों के लिए वो दिया ना प्रोग्राम अपना, वो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है कि जो भी ग्रेजुएशन करेगा या जो भी अच्छा मतलब सब्जेक्ट में कोर्स करेगा, उसको वो जब तक उसको नौकरी नहीं मिलेगी उसको उसकी हेल्प की जाएगी, वजीफा मिलेगा उसे। तो सर जो जैसे ये हुकूमत यानी मुतजलजल रही है अभी कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो पाए, जो लोगों की ओवर एज हो गई हुई है, जो जॉब की तलाश में थे और ओवर उनकी एज हो गई है, क्या उनके लिए कोई आप कर सकते हैं कोई लचक वगैरह, क्या करेंगे? सर उनके लिए उन्होंने एक कार्ड का इजरा किया है अपना, मजदूरों के लिए भी किया है, किसानों के लिए भी किया है। माजरा चाहता हूँ, वो मजदूर नहीं, एक नौजवान तबका जो 30 साल प्लस। सर मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना, उनके लिए उन्होंने एक कार्ड का इजरा किया है जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं और दूसरी फैसिलिटीज़ भी हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ना, जो बिलावल साहब ने जो किया है कि ये सोलर एनर्जी सिस्टम, वो हर घर के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि हर घर के ऊपर हम ना सोलर सिस्टम लगा कर देंगे, जो भी हमें अप्लाई करेगा। और उस वो लगा कर देंगे, और जो पहले 300 यूनिट वो सोलर प्रोवाइड करेगा ना, वो उस घर के लिए फ्री होंगे, उसके बाद के जो यूनिट इस्तेमाल करेगा उसका उसको बिल पड़ेगा, उसका वापडा से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि जो फालतू एनर्जी होगी ना वो वापडा को वापडा के ग्रिड में शामिल हो जाएगी, नेशनल ग्रिड में। तो सर मैं पूछना ये चाहता हूँ, जैसे अभी मुल्क के हालात ख़राब हुए हुए हैं, तो सर इनका आगे मजीद ख़राब होने का इम्कान है, कुछ चलने का? नहीं नहीं सर, माशाल्लाह अगर बिलावल साहब आ गए, नौजवान हैं, वो फुल मेहनत करेंगे, वो कह रहे हैं मैं फुल मेहनत करके अपना इस मुल्क को क्राइसिस से निकालूंगा और मुल्क हमारा इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा, आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे। हमारी जो जंग हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब की और पीपीपी की,
ये बस दिखावा है या सच है? नहीं नहीं सर, ये इसमें हकीकत है, क्योंकि बिलावल साहब जो हैं वो बिल्कुल अपना बड़े अच्छे लहजे के अंदर खिताब कर रहे हैं और बड़ा पॉजिटिव खिताब कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जो इख्तलाफात की जो है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए, मुस्बत तब्दीली आनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि लोग जो हैं उनको काम मिले और वो बेहतरी की तरफ जा सकें अपने। जी हमारे साथ मौजूद थे पीपी 173 के उम्मीदवार सैयद शाहिद अब्बास काजमी साहब, इंतखाबी निशानतीर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर रुक सकते हैं आप? जनाब कैसे हैं? मेहरबानी जनाब, मैं पूछना ये चाहता हूँ आपसे कि सर, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि नून लीग का पूरा पंजाब है तो पीपल्स पार्टी, यहाँ पर मुझे उसका कोई जोर नज़र नहीं आता। यकीनन कि अब नौजवान इंसान के हाथ के बीच में उस पार्टी की क़यादत है, तो सर क्या है, कभी आप लगता है कि नून लीग के साथ खड़े हुए पीपल्स पार्टी वाले कभी अलग खड़े हुए हैं, तो सर इसके बारे में? देखिए, कभी भट्टो साहब ने नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान, अब बिलावल साहब कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है ना? वो इसलिए कि आपको पता होगा, आप तो मेरे छोटे से हैं, मेरी उम्र के नहीं है आप, आपको ये नहीं पता मालूम कि भट्टो साहब ने शरारती कार्ड और पासपोर्ट तैयार की बना कर दिया था पाकिस्तान की बाहर के मुल्कों में पहचान कराने के लिए। उन्होंने पहचान कराई और लोगों को बाहर भेजा, बाहर भेज के लोगों से सरमाया लेकर वो यहाँ पर पाकिस्तान में आए, रोटी कपड़ा और मकान। ये आज पासपोर्ट ना होता तो नवाज शरीफ बाहर जाकर दिखाता मुझे। ये बिलावल और आपके कहने का मतलब है नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का हाथ है? क्यों नहीं है ये? उनको क्या पता था, अपने लिए कब्र खोद रही। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, वैसे बीमारी के लिए उनको बाहर भेजा था? वैसे बीमारी तो उनको हो ही नहीं सकती, बीमार तो हमारे जैसे गरीब आदमी होते हैं। जैसे कि ये देख लेना कि उनकी अम्मी वहाँ पर फोत हो गए हैं, उनकी अम्मी वहाँ पर फोत हो गए हैं। अब वो सिर्फ पाकिस्तान बचाने के लिए नहीं आए, अम्मी की कब्र फातिहा कहने के लिए आए, फिर चले जाने अल्लाह की मेहरबानी से। तो आपके हल्के के बीच में कितने हमारे यहाँ पर कैंडिडेट? कैंडिडेट मेरा कोई 18 कैंडिडेट है यहाँ पर, 18 कैंडिडेट है। तो सर लगता है कि नून लीग का मुकाबला और नून लीग का मुकाबला करेंगे? नून लीग को गाली पा रही है यार, मैं गाली नहीं दे सकता क्योंकि मेरी जुबान ना गंदी हो जाएगी। हाँ सर, ये ओविल हो रही है। नहीं, मैं नहीं गाली दे सकता उन्हें। अच्छा, डोविल हो रही पान गंदी हो जाएगी, मैं उन्हें क्यों गाली देवा? लोरिया नहीं गल कटेगा। देखो ना, मेरी गल सुनो बेटा, तुम बचपन ये तुहाडा बचपन है, तुम यह देखो बिलावल साहब आए ने, बचपन तुम सवारना है बुजुर्ग, वही तुम कह रहे कि बिलावल साहब आए ने, जवान मुंडा है कि मैं साडा मुस्तकबिल बिलावल साहब आए ने, यही तो तुम्हें पता होना चाहिए। बिलावल साहब आए ने, नौजवान क्यादत अल्लाह की मेहरबानी ना बिलावल ना टुरन वास्ते तैयार हैगी है, क्योंकि उनका मंशूर जोड़ा है वे वो अज किसी पार्टी का मंशूर हो नहीं गा जो साडा मंशूर है। मंशूर उनका बहुत ज़बरदस्त सर, जैसे कि आप जान रहे थे। तो अभी हम मजीद आगे की तरफ चलेंगे।